हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी हैं क्वाड्रेटिक के, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके, जो बोर्ड में अक्सर आपसे पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आज हम देखते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें आपको बताना है। जैसे ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है एक्स की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो एक चीज़ देखेंगे, जैसे आपको दिया है एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर माइनस 8x² माइनस 9। अब देखिए, यहाँ भी x² आ गया, यहाँ पे भी x² आ गया, दोनों जगह x² आ गया। तो यहाँ पे अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं लेट x² हमारा क्या है, y के इक्वल है, तो यहाँ y रखेंगे, y का स्क्वायर होगा तो y² हो जाएगा, माइनस का 8y आ जाएगा x² की जगह, माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से हम इसको लेट करके वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। अब जिस तरीके से हम अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 के फैक्टर करेंगे तो 9 प्लस वाई आ जाएगा, माइनस 9y प्लस वाई माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए, y दोनों में कॉमन है तो y माइनस 9, प्लस 1 कॉमन है तो y माइनस 9, तो y माइनस 9 दोनों में कॉमन है, बचा क्या, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। और y हमने माना क्या था, लेट किया था कि x² इज इक्वल टू y है, तो y की जगह हम x² रख देंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस √9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √-1। ये किसकी वैल्यू होती है, √-1 वैल्यू होती है i की। i क्या होता है, आयोटा इसको कहते हैं, या फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आयोटा। तो जहाँ पे √-1 होगा उसकी वैल्यू आई लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये इसकी पावर 4 थी, पावर 4 थी, हमने बताया था x की मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने ही रूट उसके आएंगे, तो इसमें पावर 4 है तो 4 रूट आए, एक प्लस का 3, एक माइनस का 3, एक प्लस का आई, दूसरा माइनस का आई, तो ये आपके 4 रूट हो जाएंगे, 4 रूट्स आपके आ जाएंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब देखें तो दोनों जगह सेम चीज़ लिखी, बस यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको लेट कर लेंगे, इस वाले को पूरे को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसी को हम वाई मान लेते हैं। जब इसको y मानेंगे तो यहाँ y आएगा और यहाँ पे भी y आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 के फैक्टर करेंगे कि 5 आए, तो y² माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 आ जाएगा, तो y माइनस 3 बोथ दोनों में कॉमन है तो y माइनस 3 कॉमन आया, बचा क्या, y माइनस 2, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 3। तब यहाँ पे क्या आएगा, y हमने क्या माना था, x माइनस ए और x प्लस 1 y माना था, तो वो वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 3x माइनस 3a। अब यहाँ से 3x को x को इधर लेके आएंगे तो माइनस x हो जाएगा, 3a को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 3a हो जाएगा, तो माइनस का 3a माइनस का a माइनस का 4 है और 3a में से x गए 2x, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2a आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका इसी में सेम, इसके बाद देखिए, इफ़ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
तो वाई क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू टू आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए, वाई इज इक्वल टू टू के बाद एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे इज इक्वल टू टू। तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू ए, तो टू एक्स माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा माइनस का ए माइनस का टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री ए। तो ये दो आपके आंसर आ गए, एक तो आपका क्या आ गया, एक आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए, और दूसरा हमारा क्या आया, दूसरा आया एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री ए। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सेवन। तो सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट में लिखा है इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, बाकी हम वैसे ही इसको उतार देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इसमें भी है और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इसमें भी है, केवल अंतर क्या है, ये कॉन्स्टेंट नंबर अलग अलग है, यहाँ थ्री है यहाँ टू है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक्स एक जैसा दिख रहा है तो इसी को हम y मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को y मान लिया। जब y मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा y प्लस थ्री और माइनस y प्लस टू आ जाएगा, माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद देखिए y स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स वाई माइनस टू और माइनस सेवन। देखिए y प्लस थ्री ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स वाई आ जाएगा, और ये माइनस लगा है तो माइनस का y और माइनस का 2 और माइनस का 7 इधर, तो माइनस का 7 और माइनस का 2 हो गया माइनस 9 और ये प्लस का 9, तो ये तो जीरो हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएंगे, और 6y में से y जाएंगे तो 5y और यहाँ पे y स्क्वायर, तो बचा क्या, y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू जीरो। तो y कॉमन लेंगे तो आएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। अब हमने y माना था किसे था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को हमने y माना था, तो यहाँ पे y की जगह पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो हो गया x इज इक्वल टू जीरो सीधे, दूसरा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू थ्री इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का थ्री आ जाएगा। ये आपके दो आंसर हो गए। फिर एक और इसका फैक्टर आया था y प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो y प्लस फाइव, y जो हमने माना था y स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम फैक्टराइज कर नहीं सकते, हमने बताया था अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, श्रीधराचार्य यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए हमारा 1, बी हमारा माइनस 3 और सी हमारा 5 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये श्रीधराचार्य। तो माइनस का बी, तो माइनस का बी कितना है, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सॉरी 5 है, 5 4 20 और यहाँ पे कितना आया है 9, तो 9 में से 20 के माइनस का 11 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, सॉरी ये 3 होगा, यहाँ पे 9 लिख गया है तो आप इसमें करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 9 की जगह पर आप 3 कर लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस आई रूट 11 बाई 2, ये आपके आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 2। देखें तो ये दोनों चीज़ें एक ही लिखी हैं, बस क्या है ये इस तरीके से लिखा है, अपोजिट रेशियो ये लिखा है। तो हम इसको अगर y मान लें तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस वाई, 1 अपॉन y। जब ये हमारा y हमने इसको माना है तो ये क्या है, जस्ट इसका उल्टा है ना रेसिप्रोकल, तो अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y।
तो इसकी जगह तो हमने y लिख दिया जो माना था, इसकी जगह क्या वन बाई वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2, ये आ गया। इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या आएगा 2y² + 1/y = 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y² + 2 = 5y, तो 2y² - 5y + 2 = 0, ये हमारा इस तरीके से क्वाड्रेटिक बन गए। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2y² - 4y - y, पहले 2 2 जा 4, 4 को हमको फैक्टराइज करना है कि 5 आए, तो -4y - 1y, 4 1 जा 4 है ना, 4 ही लाना था हमको, और दोनों प्लस के आएंगे, फैक्टर क्या हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो इन दोनों में 2y कॉमन लेंगे तो आएगा y-2, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है तो y-2, तो y-2 दोनों में कॉमन है, तो y-2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 2y-1 = 0, तो y-2 = 0 और y-2 = 0, तो y = 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने y क्या माना था, y हमने माना था 3x + 1/x + 1, इसको हमने y माना था, वो यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 1 = 2x + 2 आ जाएगा। 2x को इधर ले आओ तो 3x - 2x, और 1 को इधर ले आओ तो 2 - 1, तो x = यहाँ से आ जाएगा 1। एक फैक्टर और आया 2y - 1 = 0, तो यहाँ से निकालेंगे तो 2y = 1 आएगा, तो y = 1/2 हो जाएगा। अब y जो यहाँ रखा था वही यहाँ रख देंगे, 3x + 1 जो हमने माना था, पुट किया था, लेट किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पर 6x + 2 = x + 1, 6x और x इधर आएगा तो 5x हो जाएगा = ये यहाँ पे 1 बचा, 2 इधर लाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x = -1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन है 2x - 4 - 2x - 1, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 हमारा स्क्वायर है किसका, 2 का, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर पावर क्या है 2x - 1। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का 2 से मल्टीप्लाई 4x - 2, और ये किसके बराबर, अब 2x = 2x - 4x - 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, वो इक्वल हो जाएंगी, तो x = 4x - 2, तो x को इधर लाए माइनस का x हो जाएगा, 4x - x हो जाएगा, और 2 इधर लाए तो प्लस का हो जाएगा, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब यहाँ पे देखिए तो दिया है 5x + 1 = 26, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x, पावर ऐड कब होती हैं, जब दोनों इनटू में हो, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 5 की पावर 1 लिखें चाहे 5 लिखें, तो 5 × 5 की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 + x, तो 5 की पावर 1 + x को इस फैक्टर में हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसको 5 × 5 की पावर - x = 26, अब देखिए यहाँ प्लस का x है यहाँ माइनस का x है, तो इसको भी प्लस का बनाने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, तो 5 की पावर x हो गया। अब देखिए 5 की पावर x को ही हम क्या मान लेंगे, y, तो हमने जब इसको y माना तो यहाँ पे भी y आ जाएगा, अपॉन में भी y आ जाएगा, तो 5y + 5y = 26, एलसीएम लेंगे तो 5y² + 5/y = 26, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2y² - 26y + 5 = 0। अब इसको 5 5 जा 25 को फैक्टराइज करेंगे कि 26 है, तो 25 और 1 में फैक्टराइज हो जाएगा, तो 5y² - 25y - y + 5 = 0। अब फिर से देखिए, अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 5y, 5y कॉमन लेंगे तो y - 5 बचेगा, इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 1, तो y - 5 बचेगा,
y माइनस फाइव यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों में कॉमन है y माइनस फाइव, तो बचा क्या फाइव वाई माइनस वन। अब y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक तो फैक्टर ये आ गया, दूसरा फाइव वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया फाइव। हमने y माना किसे था, y हमने माना था फाइव की पावर x को, तो ये हमारा हो जाएगा फाइव की पावर x इज इक्वल टू फाइव की पावर वन। यहाँ पे कोई पावर नहीं मतलब वन होगी, तो x इज इक्वल टू आपका क्या बेस बराबर हो गए तो पावर क्या इक्वल हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया फाइव वाई इज इक्वल टू वन, तो y इज इक्वल टू वन बाई फाइव। अब फाइव ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगी, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, जो माना था लेट किया था फाइव की पावर x, तो फाइव की पावर x इज इक्वल टू फाइव की पावर माइनस वन। तो यहाँ से देखिए तो बेस सेम है, तो आपका क्या पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू माइनस वन। ये इतने क्वेश्चन हैं। अब इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन जो अभी सॉल्व कराए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में ये दिए। आई होप आप सभी की ये क्वेश्चन लग जाने चाहिए, अगर नहीं लगते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं इनको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जहाँ तक लग जाएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऊपर कराए हैं, तो आई होप सभी के लग जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। अब देखिए अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अब होगा क्या जिसमें अंडर रूट लगा होगा, और अंडर रूट सब में लगा होगा। अंडर रूट सब में लगा होने का मतलब दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ अंडर रूट लगा होगा। कोई क्वेश्चन होगा जिसमें दोनों तरफ नहीं होगा, एक ही तरफ होगा, फिर भी क्या करना है आपको, अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए कैसे हटता है, जब हम स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इधर वाले का स्क्वायर किया और इधर वाले का भी स्क्वायर कर दिया। जब इधर वाले का स्क्वायर ओपन किया तो ये ए हो गया इतना और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो सिक्स एक्स प्लस फोर्टी आ जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर ओपन किया x प्लस फाइव, इसका स्क्वायर ओपन किया तो x प्लस ट्वेंटी वन, और ये ओपन करने पर या दोनों पे अंडर रूट है तो इनटू में हम पूरे होल पे अंडर रूट लगा सकते हैं। तो देखिए x और x 2x, उधर जाएगा माइनस का 2x, ठीक, और 5 हो गया 26, उधर जाएगा माइनस का 26, तो 40 माइनस 26, तो 6x में से 2x गया 4x और 40 में से 26 गया बचा 14। तो ये आपका यहाँ पे देखिए, तो दोनों में 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचा क्या 2x प्लस 7, यहाँ पे भी 2x प्लस 7। अब एक चीज़ फिर देखिए, अभी भी इसमें अंडर रूट लगा है, तो जब तक अंडर रूट हटेगा नहीं तब तक हम इसका स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हमने इसका क्या कर दिया स्क्वायर। तो जब फिर से स्क्वायर किया तो ये होल स्क्वायर हो गया और ये आया, हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 21 का ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, और 5 की 21 से 105, और इसका अंडर रूट ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 49, ठीक, सॉरी ये प्लस का होगा आपका, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसके भी फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 3x प्लस 14 और x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ये हमको इसका फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ तक है आई होप सभी के लग जाने चाहिए ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप इसको फैक्टराइज, यहाँ से फैक्टर आपने बहुत सा पढ़ रखा है, तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है तो वो आप सही कर लेंगे।
फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक में बदलना है, किस तरीके से हम बदल सकते हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म है। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस हैं, जैसे ये दिया है थ्री, ठीक है, थ्री और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब जीरो। एक्स के साथ इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस जीरो। तो जीरो और थ्री की मल्टीप्लाई, जैसे हमने कहा दोनों को ऐड करोगे जीरो और थ्री को तो थ्री आएगा, और इसको फोर और वन को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, थ्री और वन को ऐड करोगे तो फोर आएगा, और फोर और जीरो को ऐड करोगे, फोर और जीरो इसका जीरो ऐड करोगे तो फोर आएगा, और थ्री और वन को ऐड करोगे तो भी फोर आएगा। मतलब लास्ट वाले ऐसे ऐड होने चाहिए कि दोनों सेम आए। तो फोर और जीरो ऐड किया तो आ गया फोर, और थ्री और वन ऐड किया तो आ गया फोर। इसको ओपन कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 180। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पीछे लगा चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स को हम वाई मान लेंगे, तो जब वाई मानेंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई प्लस थ्री आ जाएगा, तो वाई और वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 180। तो वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस 180 इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे। अब 180 के फैक्टर हैं कि आए हमारा कितना, 3, तो 15 और 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, और माइनस करेंगे तो आएगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई, तो वाई प्लस 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 12, तो वाई प्लस 15। तो वाई प्लस 15 दोनों में कॉमन है, और बचा क्या, वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो वाई प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो, और वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब वाई हमने माना क्या था, वाई माना था एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, वो रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें तो ये फैक्टर नहीं हो गया, फैक्टर अगर नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूला, वो लगा देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो माइनस का फोर प्लस माइनस अंडर रूट फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू 15, सी हमारा कितना है 15, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर 16 और इसका मल्टीप्लाई 60, तो 60 में से 16 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 44, ठीक, और यहाँ माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस माइनस 44 को लिख सकते हैं 2√-11, ठीक, तो ये आ जाएगा। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 2√-11/2, ये आया है। अब देखिए हम इसको माइनस 11 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में ही माइनस 11 को लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस 1 इंटू 11, ठीक, या फिर इसको अलग अलग भी हम कर सकते हैं, क्या अलग अलग हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 अलग हो जाएगा और अंडर रूट 11 अलग हो जाएगा, ठीक, तो ये कर सकते हैं यहाँ पे। जब ये चीज़ यहाँ करेंगे तो माइनस अंडर रूट माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, आई, और अंडर रूट 11 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस आई रूट 11 आपका आ जाएगा। दूसरा हमने क्या माना था, दूसरा हमने माना था कि y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो था, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके फैक्टर आपके हो जाएंगे 6 और 2 में, तो 6 एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 6, और 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 दोनों में कॉमन है तो बचा क्या, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपकी क्या 4 वैल्यूज़ आएंगी, एक 6 माइनस 2, एक माइनस 2 प्लस आई रूट 11 और एक माइनस 2 माइनस आई रूट 11, ये 4 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। तो इस तरह सारे क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में आपके लिए दिए हैं, ये आपको सॉल्व करना है।
जैसे ये क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो आई होप सभी के क्वेश्चन ये लग जाने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस जगह पर अगर हम देखें तो इसको सॉल्व कैसे, इसमें ऊपर वाले में सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर जैसे अभी आपने सॉल्व किया। इसमें भी आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ऐड करके देखना है कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से ट्राई करिएगा, इनको लगाइएगा, जो नहीं लगते हैं ठीक है ट्राई करते रहिए, लगाते रहिए, जो नहीं लगेंगे कमेंट में बताइएगा, मैं अगले दिन उनको सॉल्व करवाऊँगा। तो आप अपनी बुक के और भी क्वेश्चन इसके लगाइए जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें के, और ये लॉन्ग में भी आता है, तो आप इसके लगाइएगा। कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थैंक यू वेरी मच।